और कार्बन काउंट करते हैं, कार्बन काउंट ले कर लेते हैं इधर से, एक दो, नीचे जाएंगे तो तीन ही मिलेंगे, इधर जाएंगे तो तीन और चार मिल जाएंगे। हम जानते हैं हम सब सबसे लंबी कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन चुनते हैं। चार कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है तो नाम के लास्ट में जोड़ देते हैं एन, तो नाम के लास्ट में जोड़ देंगे एन, नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अब देखिए इस कार्बन को हम लोगों ने गिनती नहीं दी है और इस कार्बन को भी गिनती नहीं दी है, तो ये दोनों ग्रुप बन जाएंगे एल्काइल ग्रुप। सिंस एक कार्बन है इसलिए बोलेंगे मिथाइल, तो दो मिथाइल हैं, दो के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं आगे डाई, तो दो के लिए लिख देंगे डाई मिथाइल है तो लिख देंगे मिथाइल, तो नाम हो जाएगा डाई मिथाइल। अब दोनों मिथाइल कहाँ पे लगे हैं, एक लगा है दो पर, एक लगा है तीन पर, तो आगे नंबर लिख देते हैं 2.3। नंबर और शब्द के बीच क्या लगता है हाइपन, यहाँ पे लगा देते हैं हाइपन, नाम हो जाएगा 2.3 डाई मिथिल ब्यूटेन या फिर डाई मिथाइल ब्यूटेन।